जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष का समय चल रहा है, 21 सितंबर 2021 से पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस दौरान कहा जा रहा है कि पितृ जो है धरती पर हमारे पास आते हैं हमसे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग तरह की गणनाएं हैं इस दौरान। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ लोगों के मन में अलग अलग तरह के डाउट्स होते हैं कि कोई नई वस्तु इस दौरान जो है खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और हमें इस दौरान जो है क्या क्या कार्य जो है वो करने हैं या नहीं करने हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि लोगों के मन में इस दौरान चल रही होती हैं। तो किस तरह से आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में बात करेंगे। और नई वस्तुओं को लेकर के बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस दौरान मार्केट में डाउन चली जाती है, लोग बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करते हैं। तो ये 15 दिन का जो समय रहता है इस दौरान लोगों के मन में अगर कोई इमरजेंसी में काम आ भी जाए तो कहीं ना कहीं मन में आशंका बनी रहती है। तो इस विषय पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ आप दर्शकों के प्रश्न लेना भी आरंभ करेंगे फेसबुक और यूट्यूब से। तो दर्शक जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं इस दौरान आप हमें अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। तो चलिए हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको इस दौरान नई वस्तुएं खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। अब देखिए पितृपक्ष का समय जो होता है ये आश्वन मास में, आश्वन मास जैसे ही आरंभ होता है पितृपक्ष लग जाता है। अब पितृपक्ष जो समय लगता है, मैंने आश्वन मास की बात करी, तो आश्वन मास के कृष्ण पक्ष जो होता है 15 दिन का, यानी कृष्ण पक्ष आश्वन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष आरंभ हो जाता है और अमावस्या तिथि तक ये पक्ष लगा रहता है। यानी अमावस्या तिथि पर हम अपने सभी पितरों का तर्पण करते हैं और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस दौरान जो है अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 15 दिन का समय होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मगर उससे पहले के अगर हम 10 दिनों की बात करें या उसके आने वाले यानी पितृपक्ष के बाद वाले कुछ 10 दिनों की बात करें तो वो दिन भी बहुत खास होते हैं। हम अमूमन भूल जाते हैं कि हम पितृपक्ष को जब हम आरंभ करते हैं, जब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनके नाम से श्राद्ध करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे पहले हम भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना कर चुके होते हैं गणेश महोत्सव के समय पर। यानी जो 10 दिन का समय रहता है गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक का समय, ये जो 10 दिन का समय होता है इस दौरान हम जो है अपने भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी आप पाठ पूजा कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करना बहुत खास होता है। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना से ही हर एक तरह का विघ्न कट जाता है। और अगर देखा जाए तो कोई भी कार्य करने से पहले, किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है। अब जब भगवान श्री गणेश जी का हम नाम ले रहे हैं तो पितृ पक्ष में खरीदारी करना या कोई भी ऐसा कार्य करना अशुभ क्यों माना जाता है, क्योंकि हम तो गणेश जी की पूजा आराधना कर ही चुके हैं। और इसके बाद वाले अगर हम 10 दिनों की बात करें यानी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के दशमी तिथि तक की बात करें तो दशमी तिथि पर दशहरा मनाया जाता है और वहीं पे जो ये 9 दिन रहते हैं ये शारदीय नवरात्रों के रहते हैं। तो अगर देखा जाए इस दौरान जब माता का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है तो कैसे अशुभ होता है पितृपक्ष। अब देखिए कोई भी हमारे जो पितृ क्या होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमें इस समय पर अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमें छोड़ करके जा चुके हैं, तो पितरों में आ जाते हैं। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमसे जुड़ा हुआ हो, हमें प्यार करता हो, हमारे लिए बड़ा हो, और कहीं ना कहीं जो हमारे साथ जिन्होंने अपना जीवन बिताया हो, वो हमसे भला कैसे नाराज हो सकते हैं अगर हम
कोई भी ऐसी नई वस्तु घर में ले आए, या फिर अगर हम ऐसी कोई भी नई चीज घर में ले आए, वो हमसे कैसे नाराज हो सकते हैं? वो नाराज नहीं होते हैं। ये अगर आप देखो, बहुत सारे लोगों ने इस चीज की गणनाएं कर रखी है कि पितृ पक्ष में अगर आप कुछ भी ले लेते हो, आपके पितृ नाराज हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस चीज को आपको अपने तरह से दिमाग में क्लियर करने वाली बात है कि कोई भी नई वस्तु या मांगलिक कार्य करने से हमारे पितृ नाराज नहीं होते हैं। इसके पीछे अगर हम रीजन जाने कि पितृ पक्ष में कोई भी अशुभ कार्य नहीं किया जाता है, या अगर देखा जाए तो कोई भी नई वस्तु नहीं लेके आई जाती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन जो सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई भी नई वस्तु लेकर के आते हैं, कोई भी नई चीज लेकर के आते हैं, तो घर में खुशी का माहौल अपने आप ही बन जाता है। वहीं पे हमारा उस जगह पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अब सपोज हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें कि हमने एक मोबाइल फोन ले लिया पितृ पक्ष में। अब हमारा सारा माइंड जो है उसी मोबाइल फोन में डाइवर्ट रहेगा। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है, कैसा है, क्या उसके जो भी चीजें हैं, उसकी जितनी भी चीजें हैं, हमारा सारा जो माइंड रहेगा वो उस मोबाइल फोन में ही डाइवर्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम अपनी ड्यूटीज से, जो हमारे ड्यूटीज होती हैं इस दौरान, क्योंकि बड़ों के लिए उनकी सेवा करना, उनका पालनहार करना, उनको देखना, उनकी देखभाल करना हमारे लिए कर्तव्य है, हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो अगर हम कोई भी ऐसी चीज लेकर के आते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं उस दौरान माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पितर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे अप्रसन्न हो जाते हैं। आप कोई भी अतिथि आपके घर में आए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात ले रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपके घर में, कोई भी अतिथि आपके घर में आए, तो कहीं ना कहीं अगर आप उनका उनका उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी यही बात आएगी कि ये तो व्यक्ति हमारे को पूछ ही नहीं रहा, या आप किसी के घर में अतिथि बन के जाए। तो अगर कोई व्यक्ति आप किसी जिसके भी घर में गए हैं, अगर वो ही आपसे बात नहीं कर रहा है, वो ही आपकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मन में अलग अलग तरह की आशंकाएं आनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आप उनसे नाराज भी हो जाए कि ये तो हमसे बात ही नहीं कर रहा, उनके घर आए। तो सेम वही चीज होती है इस दौरान। पितृपक्ष जो होता है, एक तरह से कहा जाता है कि पितृ जो होते हैं वो यम लोक से इस समय पर धरती पर भ्रमण करने आते हैं, और हमारे घर में जो हमारे पितर हैं वो विराजमान होते हैं इस दौरान। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, वो अतिथि के रूप में इन 15 दिनों में हमारे घर में रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान सभी ऐसे कार्य छोड़ करके जिससे हमारा मन विचलित हो, हमारा हमारे मन में हर्षोल्लास आए, या कोई भी ऐसी चीज आए, अगर ऐसा कुछ भी हमारे मन में आता है, तो उन सब चीजों को हम परे रखें, साइड रख के जो है अपने पितरों का उनको प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी नई वस्तु लेना और कोई भी मांगलिक कार्य करना, शुभ कार्य करना इस दौरान जो है वर्जित माना जाता है। अदरवाइज किसी भी पौराणिक कथा में, या हमारे किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको अगर बहुत ही जरूरी काम है, या आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो इस दौरान आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं, आपको वो कार्य करना ही नहीं है। अगर आप कोई कार्य करते भी हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर करते हैं, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपके पितरों का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन
टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। हम बात कर रहे थे पितृ पक्ष में किस तरह से आपको क्या कुछ नहीं करना चाहिए, पितृ पक्ष में शुभ कार्य करना जरूरी होता है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके पीछे हमने आपको एक बहुत अच्छा एक रीजन दिया कि आप क्यों इस समय पर शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, क्यों नहीं कर सकते, कोई नई वस्तु नहीं खरीद के ला सकते। अदरवाइज अगर आपको फिर भी कोई ऐसे इम्पोर्टेंट काम या कोई जरूरी चीज आपको खरीदारी करनी हो तो आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का वहम अपने मन में ना रखें। तो दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब से, तो हम जो है प्रश्न लेना आरंभ करेंगे फेसबुक और यूट्यूब पे। यूट्यूब पे शायद इस समय पर हमारा लाइव सेशन नहीं पहुंच पा रहा है, मगर लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप हमें समय यूट्यूब पे नहीं देख पा रहे हैं तो सीधा सीधा फेसबुक से आप जुड़ जाइए। तो प्रश्न लेना हम आरंभ करेंगे फेसबुक और यूट्यूब दोनों से ही। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है सोनाली त्रिपाठी जी का। जन्मतिथि इनकी है 25 मई 1993 और उरई यूपी से जुड़ी है। ये पूछ रही है कि 19 सितंबर को जीआईसी पीजीटी का प्री का एग्जाम है, एग्जाम दिया है, रिजल्ट को लेकर के बहुत टेंशन हो रही है, क्या क्या एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या ये मेंस दे पाएंगी। प्रीलिम्स जो है उन्हें अटेम्प्ट किया है और उसके लिए ये जानना चाहती हूँ। देखिए एग्जाम जो है बिल्कुल क्लियर होने की संभावना लग रही है, मेंस पे भी आप जा पाएंगी मगर मेंस में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपका ये जो प्रीलिम्स है क्लियर हो जाता है तो थोड़ा सा आप जो है मेंस पे बेहतर तरह से तैयारी करें, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। सूर्य की उपासना नियमित रूप से करें ताकि आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त। प्रश्न आया है हमारे पास नवजोत कौर का, अमृतसर से ही जुड़े हैं। 14 अक्टूबर 1995 इनकी जन्मतिथि है। पूछ रहे हैं लव मैरिज होगी या अरेंज, हस्बैंड किस फील्ड से होंगे। देखिए आपकी जो लग रही है लव का अरेंज मैरिज लग रही है, यानी परिवार का सपोर्ट पूरा पूरा रहेगा अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आपके परिवार वाले आपको किसी को पसंद करते हैं आपके लिए, तो कहीं ना कहीं प्रेम जो है अपने आप उत्पन्न हो जाएगा जिसकी वजह से लव का अरेंज मैरिज होने की संभावना है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर की ज्यादा से ज्यादा संभावना लग रही है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस में जॉब होने की संभावना है। प्रश्न आया है हमारे पास अभिषेक शर्मा का। प्रश्न हमारे पास आया है 20 अगस्त 1990 उन्होंने जन्मतिथि भेजी है। गंगापुर सिटी राजस्थान से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में टीचर लग जाएंगे क्या, 26 सितंबर को टीचर का एग्जाम है, क्या ये एग्जाम जो है इनका क्लियर कर पाएंगे। देखिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्लियर होने के चांसेस हैं, तैयारी कीजिए, आपको इसका पॉजिटिव रिस्पांस जो है बिल्कुल मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान इस चीज के लिए मत होइए और कोशिश कीजिए कि आप जो है अच्छी तरह से तैयारी कर सके ताकि आपको इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत ही जल्द मिले।
प्रश्न आया है हमारे पास रूपम सिन्हा का। अगस्त 1993 इनकी जन्मतिथि है और मोकामा बिहार से जुड़ी है। पूछ रही है जॉब और शादी कब तक होगी, यानी जॉब कब तक लगेगी और विवाह इनका कब तक होगा। देखिए जॉब ऑलमोस्ट आपकी अगर आप ट्राई कर रही हैं इस दौरान, तो जॉब जो है आपकी आने वाले दिसंबर तक लगने की संभावना है, यानी ऑलमोस्ट आप मान के चलिए नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग। और अगर आप बात कर रही हैं विवाह की, तो विवाह आपका 2022 सितंबर के बाद संभावना बन जाएगी। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप रॉय और सैकत घोष नाम भेजा है इन्होंने, कोलकाता से जुड़े हैं ये, और जन्मतिथि भेजी है 23 जनवरी 1997 की। कोलकाता से जुड़े हैं ये, पूछ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब चांसेस हैं या नहीं। देखिए आपके जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो हैं, मगर आप अगर यूपीएससी या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपको इसमें सफलता मिलेगी, मगर टाइम लगेगा। 2023 में जाकर के आपको जो है इसमें सफलता प्राप्त होगी, तो अभी लगभग लगभग 1.5 से 2 वर्ष का आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ही आपको इसमें सफलता प्राप्त। प्रश्न लेंगे अगला हम। पारुल आदित्य श्रीवास्तव का प्रश्न आया है हमारे पास और इन्होंने पूजा श्रीवास्तव जो है नाम भेजा है, जन्मतिथि भेजी है इन्होंने 6 सितंबर 1989 की। पूछ रहे हैं कि इनके फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी। देखिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए, तो इस दौरान थोड़ा आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है इस समय पे आपको परेशानियां आ भी रही हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय यानी 2022 का जो साल रहेगा आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा, एक नई उम्मीद लेकर के आएगा 2022 आपके लिए। और 2022 में भी फेब्रुवरी के बाद जाकर के
आपको जीवन में अपने चेंजेस नजर आएंगे, सुधार नजर आएगा, और वहीं पे फाइनेंशियल जो आपका कंडीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एज कम्पेयर टू 2021। एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, हर शुक्रवार के दिन संभव हो तो नियमित रूप से करें, और इसके अलावा जो है बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को गुड़ और केले जरूर खिलाएं। अगला प्रश्न लेंगे हम, नरेश जनगण हमारे साथ जुड़े हैं, पूछ रहे हैं कि एक साल से ये काफी परेशान चल रहे हैं और इनको जॉब नहीं मिल रही है, कब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी? इनकी जन्म तिथि जो है 2 जनवरी 1967 की। देखिए ऐसा कोई दोष नहीं चल रहा है, बट हाँ मैं ये कहूंगी कि समय पर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, काम जो है बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया, इनफैक्ट जॉब आप ट्राई कर रहे हैं तो मिल ही नहीं रही है। इस दौरान आप केवल शनिदेव की उपासना करें, दशकृत नील शनि स्त्रोत का पाठ करें, नील शनि स्त्रोत का पाठ करें, और इस समय पर आप संभव हो तो काली वस्तुओं का शनिवार के दिन दान करें, इससे आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए इस लाइव सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ, और मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotak.com पे लॉग इन करना। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री राम।